क्या सलाह रहेगी? इरडा को एक बार बुक कर लें या लिमिटेड चार्ट से? ऑफ कोर्स मेरा सवाल शायद आप पूरा सुन नहीं पाए होंगे, क्या व्यू रहेगा? सो बिल्कुल, इरडा में देखिए अपर सर्किट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो मेरे हिसाब से तो होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक में ये अपर सर्किट लगा हुआ है, हो सकता है ये मोमेंटम फर्दर हमें अगले सेशन में भी कंटिन्यू होते हुए दिखे अपवर्ड साइड में। स्टॉक ने प्रीवियस स्विंग हाई जो बने थे 123 के, उसको भी ब्रेकआउट किया है, तो यहाँ पे हमें लगता है कि 130 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए इरडा में, और अपसाइड में हो सकता है ये स्टॉक का मोमेंटम जो लिमिटेड डेटा है उसके हिसाब से जो लगता है वो करीब 150 की तरफ आते हुए लग रहा है। कैनफिन होम एक काफी टाइट रेंज में पिछले कई हफ्तों से स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अगर हम देखें तो पिछले 5 महीनों से स्टॉक एक काफी टाइट रेंज में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के ओवरऑल स्ट्रक्चर बने हुए, हमें लगता है कि यहाँ पे अगर 820 के लेवल अगर ये क्रॉस करता है तो एक बड़ा अपमूव इसमें आते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 880 और 900 की तरफ। तो अगर किसी के पास कैनफिन होम में पोजीशन है तो यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो कि होना चाहिए 765 का, वो फॉलो करने की सलाह। स्टॉप लॉस